इसका नाम सुल्तान है। हाँ, बड़ा प्यारा नाम रखा है सुल्तान। और जो इसका नाम मैंने बादल रखा है। इस वक्त मौसमियात में मौजूद हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें सारी लाइन से घर बने हुए और मैं एक छत के ऊपर मौजूद हूं जहां पर उस्मान भाई जो कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर है उन्होंने अपने ही घर की छत पर मवेशी जानवर जो होता है उसको बच्चा लेते हैं और बच्चे को छत पर पालते हैं और उसके बाद फिर यहीं पर ही छत पर ही कुर्बान करते हैं। उस्मान भाई से बात करते हैं। माशाल्लाह बड़ा प्यारा जानवर है। सबसे पहले नाम पूछते हैं क्योंकि मैंने देखा है जब भी बड़े दिल से और घर वाले मोहब्बत से किसी जानवर को पालते हैं तो उसको जानवर नहीं बोलते, उसको नाम लेते हैं। तो सबसे पहले तो कोई नाम बता दीजिएगा, क्या क्या नाम आपने अपने जानवर के रखे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। इसका जो नाम है, ये जो बच्चा मैंने ख़रीदा है, इसका नाम सुल्तान है। हाँ, बड़ा प्यारा नाम रखा है सुल्तान। सुल्तान नाम है इसका क्योंकि इंशाल्लाह ये इसकी ग्रोथ भी ऐसी जाएगी कि लोग इसको देख के कहेंगे कि ये सुल्तान है वाकई। अच्छा, बिल्कुल इंशाल्लाह। आप देखिएगा नेक्स्ट ईयर अगर आपका आना हो तो बिल्कुल आप इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री करिएगा तो आपको उसका वजूद नज़र आएगा निकल के। मतलब सुल्तान को इस साल कुर्बान नहीं करेंगे? नहीं, मैं इसकी कुर्बानी नेक्स्ट ईयर करूँगा। अभी ये जस्ट 15 मंथ्स का बच्चा है। अच्छा, हाँ, 15 महीने का। अभी ये 2 साल का नहीं हुआ, कुर्बानी के हिसाब से ये भी रेडी नहीं है। सुल्तान जो है वो माशाल्लाह से भाई खाना खा रहा है। और ये जो आपके हाथ में बंधा हुआ है ये कौन सा जानवर है? ये इस साल की कुर्बानी के लिए मैंने परचेज किया है, तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया है इसको। 35-40 दिन हो गए लाए हुए। और जो है इसका नाम मैंने बादल रखा है। क्या बात है यार, नाम तो बड़ा अच्छा रखा है बादल जी। इसकी बादल बादल तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। इसकी खूबसूरती को देखते हुए और इसके कलर को देखते हुए मैंने इसका नाम बादल रखा है। बादल के दांत कितने हैं? ये 2 दांत का है। अच्छा जी, तो ये अपना उस्मान भाई, ये शौक जो है वो हर किसी को पैदा नहीं होता, मगर ये शौक आपको कब से शुरू हुआ कि जी अपनी छत पर ही लेकर आना, उसको बच्चा रखना, उसको पालना, बड़ा करना और उसको कुर्बान करना? शौक तो मुझे इनका बचपन से ही है और बहुत छोटी उम्र से मैं अपने घर के कुर्बानी के जानवर को खिला रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ बहुत छोटी उम्र से। हाँ। जी मतलब तकरीबन घर का आज तक जो भी जानवर आया है मेरे होशो हवास में उसको मैंने टेक केयर किया है बचपन से। ऑब्वियसली अच्छा। किसी बड़े की जब छोटा था असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, बट उसके बाद से मतलब मैंने खुद संभाले। और ये पिछले 3 साल से मुझे एक और जुनून चढ़ा है कि मैं छत पर लाकर पालूं और कुर्बानी करूं अपने आंखों के सामने। इसमें सबसे बड़ा एक सुकून ये है कि आजकल जानवर चोरी हो रहे हैं तो उससे जो है मैं बड़ा पीस ऑफ माइंड रहता है कि जानवर घर पे हैं, चोरी हैं, फिर बच्चे आराम से खेल सकते हैं, फैमिली आ सकती है, क्योंकि नीचे लाओ नीचे रश लग जाता है। उस्मान भाई मैंने देखा है वो लियाकतबाद में बड़ा मजमा लगता है, रश लग जाता है और उसके बाद फिर वो बड़ी बड़ी क्रेन आती है उसको जानवर उतारती है, कहीं वो हरकतें आप भी तो नहीं करते? कहीं जानवर को बच्चा लाते हैं, बड़ा करते हैं, उसके बाद फिर मजमा लगा के फिर नीचे उतारते हैं क्रेन के जरिए? नहीं नहीं, फिर तो वो अपने बच्चे के साथ ज्यादती करने वाली बात है, क्योंकि जानवर को फिर आपने अपने बच्चे की तरह पालना है। सबसे बड़ा जो उसमें मसला आता है कि ये बेजुबान है, ये बताता नहीं है कि मुझे चीज़ पसंद है या नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बीमार हूँ। आपने इसको 100% ऑब्जर्वेशन पे हर चीज़ करनी होती है। इवन ये मतलब पॉटी किस तरह की करता है मैं वो भी देखता हूँ, खाना कितने शौक से खा रहा है। तो गोबर वोबर सारी ये जब करते हैं तो फिर ये कौन सारा सफाई वफाई करता है, घर वाले या आप खुद करते हैं? मैं और मेरे फादर करते हैं। अच्छा जी, मतलब हम लोग एक बोरे के अंदर जो है जमा कर लेते हैं तो शाम में मैं फेंक देता हूँ, सुबह अबू फेंक देते हैं, क्योंकि सुबह इतना टाइम होता नहीं, ऑफिस भी जाना होता है तो सुबह का जो है वेस्ट सारा अबू फेंक कर आते हैं, शाम का मैं फेंक कर आता हूँ। घर वालों की सपोर्ट है। और कैसा लगता है जब जानवर आपके घर में बंधा होता है, सुबह जब आप उठते हो आपको उसके पास जाना होता है, ये फीलिंग कैसी होती है? ये मुझे यकीन करें मुझे बड़ा सुकून मिलता है और मुझे बड़ा पीसफुल माहौल लगता है। मैं अक्सर इनकी वीडियोज़ डाल के जो है ना शाम में व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाता हूँ, वन पीसफुल इवनिंग। तो मेरी वाइफ कहती है आप जाते हैं वापस ही नहीं आते तो मैं कहता हूँ कि भाई देखो एक तो मेरा शौक है बैल, ऊपर से दो दो तो मैं कैसे वापस आऊँ ये बताओ। उस्मान भाई हमने देखा है जब मेहमान आते हैं और वो 4-5 दिन जब घर में रुकते हैं तो एक फैमिली जैसा लगता है कि भाई एक हमारा फैमिली का है, और जब चला जाता है तो बड़ी एक मतलब मज़ा नहीं आता घर में, जैसे बेसुकूनियत सी हो जाती है। तो ये जब आपने जानवर लिया और माशाल्लाह सब घर वालों को भी एक आदत सी हो गई है सुल्तान की, अब बादल की भी आदत हो जाएगी, बादल भी आपने बच्चे से लिया था या अभी ये सिर्फ कुर्बानी के लिए आपने परचेज किया? 20 साल की कुर्बानी के लिए परचेज किया मैंने। हाँ, इसको बच्चे से नहीं लिया, मगर ये बिल्कुल अभी ऐसा हो गया है कि इसको पता है
कि जैसे अभी आप लोग आए थे, अगर मैं इसको खुद खोल के छोड़ देता तो ये खुद ही अपनी जगह पर आके खड़े होते हैं दोनों। बड़ा प्यारा है बादल और सुल्तान तो। इसकी इनकी वीडियोस हैं, मैं आपको शेयर करूंगा, तो ये खुद ही अपनी जगह पर जाते हैं खाने के लिए और खुद ही अंदर भी जाते हैं। अच्छा मैं ये पूछूंगा, ये जब ये जानवर यहाँ पे घूम रहे होते हैं अकेले अकेले यहाँ पे टहल रहे होते हैं, छतों पे घूम रहे होते हैं, क्या बात है, सामने अड़ोस पड़ोस भी देखते होंगे कि यार क्या बात है यार, और फिर कुर्बान करना पूरे साल, सारा साल संभालना, उसको केयर करना, उसके बाद फिर जब कुर्बानी का वक्त आता है तो आपको कैसा लगता है जी? असल तो कुर्बानी वही होती है कि अपने घर में लेके पालना और उसके बाद फिर उसको कुर्बान करना, जो फीलिंग्स उस ज़माने में जो 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 सुन्नत शुरू हुई है वही थी कि जी अपने प्यारों को, तो ये भी जानवर भी हमारे प्यारे हैं, तो इसको जब कुर्बान करते हैं तो कैसी फीलिंग होती है? बड़ी तकलीफ़ होती है, आँखें नम रहती हैं और मेरे घर की लेडीज़ तो रो रही होती हैं बाकायदा। तो मैंने लास्ट ईयर कुर्बानी थी, एक छोटी सी वीडियो बना के इमोशनल गाना लगा दिया था, तो घर वालों ने रोना मचा दिया था, कोई देख नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, तो इसका तो वो कहते हैं, मेरी वाइफ तो कहती है कि आप मुझे मैके छोड़ दीजिएगा एक हफ्ते पहले। अच्छा। और मैं फिर 10 दिन के बाद आऊँगी। देखो भाई ये हैं हमारे उस्मान भाई जो कि इस पूरे मौसमियात में अपनी छत पर कुर्बानी को, यानी कि जो जानवर होते हैं उसको यहीं पर बच्चा लाते हैं, उसके बाद इस बच्चे को पालते हैं और पालने के बाद फिर यहीं सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो कि अपने घर में जानवर को लाना, इनके पास जगह भी माशाल्लाह अच्छी है, छत पर ये केयर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कि सुल्तान जो है वो इंशाल्लाह इसकी जो कुर्बानी है वो अगले साल होगी और बादल इस बार जो है वो चूँकि बकराईद से एक महीना पहले ले आए, अब इसकी खूब खातिर तवाज़ो की जा रही है, मेहमानों की तरह इसको रखा हुआ है और एक महीने के बाद इसको कुर्बान कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक आपके देखने वाले जितने लोग हैं उन्होंने भी कुर्बानियाँ यकीनन तौर पे करनी है, आपकी भी कबूल फरमाएं, उस्मान भाई की भी और हमारी भी, और जो लोग नहीं कर सके इस साल उनको अगले साल अल्लाह पाक जो इस्तेआत दे ताकि वो लोग भी इस सुन्नत इब्राहिमी को अदा कर सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।